नाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैव गुर परसाद जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच शिवजी सदा सा ओम नमः शिवा गुरुजी सदा सा ओम नमः शिवा शिवजी सदा सा ओम नमः शिवा गुरुजी सदा सा ओम नमः शिवा शिवजी सदा सा ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय कभी बाज बेनती जो भई बादशाही दसनी हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन हुए चित की इच्छा हमरे दुष्ट सब तुम खाओ आप हाथ दे मोहे बचाओ मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आय संगरिए तुम्हें चाड कोई
अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सुकुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे भाई है चुन चुन सदर हमारे आप हाथ दे मुझे उबरिए मरन काल का त्रास भरिए सदा हमारी बच्चा श्री अस्तुजो कर राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे काल का ये ब्रह्मा बबतरा काल का ये शिवजु अवतरा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा दूतियो जमन काल सब जगत बनायो देव जात गच्छन उपजायो नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव तन को शिव तुम सुख दियो सतन को पल मोह कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी जब उद करक करा कर तारा पर जा कर तब दे अपारा जेते बदन सृष्ट सब धार है आप अपनी भूल उचार है सब ही तेरे आलम जानत भेद के मेरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंग आका भूल उचार तुदेता जाको देवन पाव तुदेता ताको कर कान अनुमानत महामूर कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का जीन अपनी बुद्ध है जेती वर्ण तेन तेन तुह देती तुमरा लखा न जाए पसारा के मन सजा तुम संसारा एक रूप अनूप स्वरूप रंग पयो राम कई रूपा अंगद तेरज से तज की मेल तुझ काल बोल रज दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पे संकर कहता सगरी सिस्ट दिखाए कह रहे कबीर
सुनो रे संतो खेतरी करो नबेरा, खेतरी करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पाओ जल फेरा, बहुर न पाओ जल फेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पाओ जल फेरा, बहुर न पाओ जल फेरा, अब की तार में है तो देही गावा, जी उतार में है तो बस पंच किरसाना, बस पंच नैनू नक टू शरम नू रस पत, नैनू नक टू शरम नू रस पत, इंद्री कहिया ना माना, इंद्री कहिया न माना, इंद्री कहिया न माना, बहुर न पाओ जल फेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पाओ जल फेरा, जल फेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पाओ जल फेरा, बहुर न पाओ जल फेरा, अब की बार, अब की बार। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैं निमाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैं निमाना, तू बेअंत शाह मेरी बख्श खता मैं निमाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श
संग लागा तेरा नाम ना जपिया मैं अभागा दीन छोड़ दुनी संग लागा तेरा नाम ना जपिया मैं अभागा दीन छोड़ दुनी संग लागा तेरा नाम ना जपिया मैं अभागा दीन छोड़ दुनी संग लागा तेरा नाम ना जपिया मैं अभागा कोई गुण ना पले नरक न मैनू झले पाप कमाना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना सच्चे पात सगा मेरी बख्श कथा मैं माना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना सच्चे पात मेरी बख्श खता मैं नहीं माना तू भी अंत तेरा अंत ना जाना सच्चे बात सहा मेरी बख्श खता मैं नहीं माना तू भी अंत तेरा अंत दर तेरे सवाली जो आवे मुँह मंगियां मुरादां पावे दर तेरे सवाली जो आवे मुँह मंगियां मुरादां पावे दर पावे दर तेरे सवाली जो आवे मुँह मंगिया मुरादा पावे मैं आया शरणी लावो अपनी चरनी बिरद पछाना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना सच्चे पात सहा मेरी बख्श कथा मेरी माना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन कि जो शब्द गुरबानी का पढ़ा जा रहा होता है या जो साखी चल रही होती है वो वर्त जाती है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक वर्त जाने का भाव दूसरा वचन बाबा नंद सिंह जी महाराज का ध्यान देना साथ संगत अमृत वेले का समय हो दास बहुत बार ये बात कह चुका है पर फिर भी भावना बनाने के लिए फिर से कह रहा हूं
अमृत वेले का समय हो, संगत जुड़ी बैठी हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो। कीर्तनिया इसलिए कीर्तन ना कर रहा हो कि उसे धन मिलेगा। अब आनंद सिंह जी महाराज के वचन परतक गुरु नानक बैठकर कीर्तन सुन रहा होता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये शब्द जो हम पढ़ रहे हैं ये बख्शाने का शब्द है, बख्शाने का। हम अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे पाप करते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो शब्द पढ़ रहे हैं चौथे गुरु नानक गुरु रामदास जी का है। खुद गुरु नानक खुद निरंकार, खुद निरंकार कह रहे हैं, अपने अवगुण गिना रहे हैं एक एक पंक्ति में कि मेरे में ये अवगुण है, मेरे में ये अवगुण है, मेरे में ये अवगुण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हम कोई पूछे भाई तूने कोई पाप किया है, भाई मैंने तो कोई पाप नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें सिखा रहे हैं, गुरु रामदास जी ने कोई पाप नहीं किया, हमें सिखा रहे हैं बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन। चाहे सिख के रोम रोम में सिमरन शुरू हो जाए, इतनी ऊंची अवस्था हो जाए कि जो चाहे कर ले, फिर भी गुरु नानक के आगे एक ही बात कहे कि वाहिगुरु बख्श ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ ये पंक्तियां एक एक सुनो। महापुरुषों से किसी ने वचन किया था ना कि आप कहते हो गुरबाणी तीन काल सत्य है। बाबा कुंदन सिंह जी महाराज जिन्होंने दास को कीर्तन की दात दी, महापुरुष, उनसे किसी ने सवाल किया था कि आप कहते हो गुरबाणी तीन काल सत्य है, तो जो गुरु रामदास जी शब्द में अपने गुनाह गिना रहे हैं वो भी सची होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा जी ने जवाब दिया, अरे मूर्ख, प्रोफेसर ABCD लिख कर सिखाता है बोर्ड पर, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, क्या प्रोफेसर को आता नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और बच्चों को सिखाने के लिए लिखना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें शिक्षा देने के लिए गुरु रामदास जी ऐसी पंक्तियां लिख रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक एक पंक्ति को श्रवण कीजिए और अपने किए हुए गुनाहों को आगे रखो, जो याद है, जो नहीं याद उनके लिए भी माफी मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि बाबा जी के वचन है, वचन कि अगर सिमरन करते हुए, नाम जपते हुए, कीर्तन करते हुए, संगत में बैठकर, चाहे अकेले में चाहे संगत में बैठकर, अपने गुनाह याद करते हुए पश्चाताप का अगर एक भी आंसू तेरी आंख से निकल गया, एक भी आंसू, बाबा जी के वचन है गुरु नानक तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ सब मिलकर गाए नहीं, इसको अंदर से पुकारे। श्री अवगुण सब मेरे, बख्श अवगुण सब मेरे, मेरे बख्श अवगुण सब मेरे, बख्श अवगुण सब मेरे, बख्श अवगुण सब मेरे। Oh,
जियो पिंड भुख नर दिया जियो पिंड मुख नक दिया, तुझे शरीर दिया, मुख दिया, नाक दिया, हर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, बर्तन को पानी पीने के लिए पानी दिया, अन्न खाना कपड़ पहनने दिया, तुझे अन्न दिया, खाना दिया, कपड़े दिए, रस अन्न भोगानी, ना जाने कितने प्रकार के रस दिए, जिन दिए सो चित ना आवे, जिसने दिए उसका शुक्राना नहीं किया कभी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारा पेन जमीन पर गिर जाए कोई उठा के दे दे हम थैंक यू कहते हैं, जिसने इतना कुछ दिया उसे तो केवल कंप्लेन ही करते हैं कि तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया। केवल शुक्राना नहीं करना भी अपराध माना गया है इतना कुछ लेने के बाद, हम तो ये छोड़ो उसके बाद भी ना जाने कितने गुनाह करते हैं, हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिसके बारे में हमें खबर तक नहीं होती कि हम कर रहे हैं, इन आंखों से पाप करते हैं दिन रात, पराया रूप देखते हैं, इन हाथों से गुनाह करते हैं, चोरी करते हैं, कई कुछ करते हैं जो हमें पता है, रिश्वत लेते हैं इन हाथों से, गलत तोलते हैं इन हाथों से, गलत नापते हैं इन हाथों से, पर हमें महसूस नहीं होता। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के वचन, एक कर्म रोज करते जाओ, रोज करते जाओ, रोज करते जाओ, पर महसूस ना हो कि हम गलत कर रहे हैं, तो वो इतना बड़ा गुनाह, ऐसी आदत पड़ जाती है, स्वभाव बन जाता है कि फिर नहीं छूटता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर अगर एक कर्म रोज करते जाए पर उसका पश्चाताप भी रोज हो कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं, फिर वो गुनाह नहीं बनता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर अंदर से पश्चाताप हो सच्चा, फिर वो गुनाह नहीं बनता, फिर गुरु नानक बख्श देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी एक पेड़ के नीचे बैठे गुरु नानक पाशाह समाधि में लीन है। अचानक उठ खड़े हुए, प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने के चलो, चल पड़े। भाई मर्दाना जी पूछते हैं पाशाह कहाँ जा रहे हैं, कहने लगे एक अत का पापी, अत का पापी, इतने गुनाह किए हैं उसने कि गिने नहीं जा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान देना साथ संगत जी, गुरु नानक पाशाह की वड्याई है, किसी भी पापी को मारा नहीं तारा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी भी पापी को मारा नहीं है गुरु नानक पाशाह ने, तारा है, और वो भी घर में जाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितना दयावान हृदय मेरे गुरु नानक का, कितनी दया। गुरु नानक पाशाह ने समझाया, कहने लगे एक शेख सज्जन है, शेख सज्जन, उसने शहर के बीचों बीच जहां से शहर शुरुआत होती है, शुरुआत में ही अपना घर बना रखा है, और एक तरफ मस्जिद, एक तरफ ठाकुर द्वारा मंदिर बना रखा है। कोई हिंदू आता है तो ठाकुर द्वारे में रुक जाता है, कोई मुसलमान आता है तो मस्जिद में चला जाता है,
ये उसकी सेवा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाकी में कपड़े पहनकर बैठा है, हाथ में माला लेकर राम राम जपता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो भी आता है यात्री थका हारा शहर में प्रवेश करता है तो उसे अपने धर्मशाला में ले जाता है। आओ यहाँ पर ठहरो, भोजन करो। जब रात को वो सो जाता है तो उसका गला दबा कर उसे मार देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और घर के पीछे एक कुआं है, उसकी लाश को वहां फेंक देता है। सारे गहने, जो भी सामान, जो भी धन होता है सब ले लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और न जाने कितने वर्षों से यही कर रहा है, अनगिनत कत्ल कर दिए हैं इसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निरंकार का हुक्म है, इसे जाकर तारना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन है गुरु नानक साध संगत जी। ये साखी तो बहुत लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, पर इसके पीछे शिक्षा बड़ी अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। इतने गुना जिसको मारता है उसका पीछे परिवार भी तो है। कितने लोगों की बद आशीष, कितना पाप, उसके बावजूद गुरु नानक पाशा को उस पर तरस आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा रन सिंह जी महाराज इसलिए अरदास में पंक्तियां शामिल की थी, जैसे सज्जन ठग को तारा, जैसे भूमि चोर के गुनाह नहीं देखे, जैसे कौटे राक्षस के गुनाह नहीं देखे, हम भी उसी पार्टी के आदमी हैं, हमें भी तार दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। ओ दो पंक्तियां पढ़ सब जीव पिंड मुख नानक दिया, सब जीव पिंड मुख नानक दिया, हर तन को गुरु नानक।
अब गुरु नानक पाशाह वहां पहुंचे। सज्जन शेख सज्जन जो असल में सज्जन ठग है, दूर से देख रहा है, अपने नौकरों को बुलाकर कहता है कोई बहुत ही धनवान आ रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, क्योंकि चेहरे पर इतनी लाली है, जरूर इनके पास बहुत सारा धन होगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह आए, मंदिर में जाकर बैठ गए, बाहर ठाकुर द्वारे के बाहर बैठ गए। सज्जन ठग दर्शन कर रहा है, देख रहा है, गुरु नानक पाशाह समाधि में लीन हो गए। सज्जन ठग बात करना चाहता है, गुरु नानक पाशाह समाधि में लीन। काफी समय बाद जब समाधि खोली, सज्जन कहता है कि आओ अंदर चलो, यहां पर विश्राम कर लो अंदर। गुरु नानक पाशाह कहने लगे नहीं, हम यहीं पर ठीक हैं, घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सज्जन चला गया, गुरु नानक पाशाह समाधि में लीन रहे। भाई बालाजी भाई मर्दाना जी को पहले ही सब बता दिया था। अब जब रात हुई, सज्जन फिर से आया कि यहां बाहर कहां रात बिताओगे, आइए भोजन खा लीजिए और विश्राम कर लीजिए, आपके लिए पूरा बिस्तरा लगा दिया है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह कहते हमें भूख नहीं है, हम तेरे साथ अंदर चलते हैं। अंदर चले गए, कहने लगे सज्जन रात सोने के लिए नहीं होती। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम तो उस परमात्मा की उस्तत करेंगे, कीर्ति करेंगे, कीर्तन करेंगे, तू भी बैठकर सुन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सज्जन ने सोचा, सज्जन ठग ने, कि थोड़ी देर गाएंगे कीर्तन करेंगे फिर थककर सो जाएंगे, तब मैं इनका कत्ल कर दूंगा। अब साध संगत जी मर्दाना जी रबाब बजा रहे हैं, गुरु नानक पाशाह खुद कीर्तन कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह विचार करके देखो, खुद गुरु नानक पाशाह कीर्तन कर रहे हैं, खुद। क्या असर होता होगा, मैं कभी कभी सोचता हूं गुरु नानक पाशाह का कीर्तन कैसा होता होगा। एक रबाब और गुरु नानक पाशाह गा रहे हैं, ना तबला ना कोई म्यूजिक ना कुछ और, केवल एक रबाब और गुरु नानक पाशाह गाते हैं। जब गुरु नानक पाशाह गाते थे, जन्म साखी में लिखा है, भाई बालाजी बताते हैं कि पशु अपने पशुओं के तत्व बदल जाते थे, अपने संस्कार बदल जाते थे, शेर और बकरी एक साथ खड़े रहकर कीर्तन सुनते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पक्षी इकट्ठे हो जाते थे जब गुरु नानक पाशाह गाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सज्जन ठग जब कीर्तन सुना, गुरु नानक पाशाह ने शब्द भी यहां पर ऐसा उच्चारण किया जिसकी दो पंक्तियां दास गा देता है। सज्जन से लाल मैं चलने आना चरण, शब्द बहुत बहुत है। गुरु नानक पाशाह ने जब ये पंक्तियां उच्चारण की, ये शब्द पढ़ा पूरा, सज्जन ठग का पत्थर का दिल, जिस पर कभी किसी गुनाह का असर नहीं हुआ, आज उसे अपने सारे गुनाह अपने आंखों के सामने दिखाई देने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक एक किया हुआ गुनाह उसकी आंखों के आगे चल रहे हैं, मानो फिल्म चल रही हो। आंप उठा, कहां उठा शरीर, कहां पर लगा उसका।
उसे सजाएं दिखने लगी, उसे नरक में कैसी कैसी यातनाएं मिलेंगी। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कीर्तन कर भी कौन रहा था, गुरु नानक पाचा। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गिर पड़ा चरणों पर, रो रोने लगा जोर जोर से, रो रो कर अपने आंसुओं से गुरु नानक पाशाह के चरण धोते कि मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है, मेरा क्या होगा, इतने गुनाह मैंने किए। कुछ देर बाद गुरु नानक पाशाह ने उसे उठाया और कहने लगे, सज्जन ये बातें जरा ध्यान से सुनना। खुदा की दरगाह में दो शर्तों पर पिछले गुनाह माफ किए जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम अगर चाहें अपने गुनाह माफ कराने जो किए हुए हैं, कैसे होंगे, कैसे होंगे। गुरु नानक पाशाह यहां समझा रहे हैं, खुदा की दरगाह में, निरंकार की दरगाह में दो शर्तें लागू हो तो सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सज्जन कहने लगा, बताइए कौन सी दो शर्त। पहली शर्त कि इंसान सबके सामने अपने सारे गुनाह कबूल करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन है सात संगत जी, कहा करते थे कोई संगत में खड़ा हो जाए हाथ जोड़कर और कह दे मैंने ये गुनाह किए हैं, शर्म ना करें, सच बोल दे, गुरु नानक को सारे गुनाह माफ करने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर हिम्मत चाहिए, कोई नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम तो अपने गुनाह छिपाते हैं, दिखाने के लिए तो हिम्मत चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह कहने लगे, सबसे पहली शर्त अपने सारे गुनाह सबके सामने कबूल कर, गिन एक एक अपराध। और दूसरी शर्त, गुनाह गिनने के बाद जो कुछ भी तूने इकट्ठा किया है उन्हें मार कर, जितने लोगों को मारा है सारा धन गरीबों में बांट दे। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरी शर्त, सबसे अहम बात, पिछले गुनाहों की माफी तब मिलती है जब इंसान ये प्रण कर ले कि आगे से वो गलती दोबारा नहीं करेगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर तुझे ये दोनों शर्तें कबूल हैं तो तेरे सारे गुनाह माफ। प्यार से बोले धन गुरु नानक। सज्जन ने चरण पकड़ लिए, पाछा मैं प्रण करता हूं आगे से कभी भी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा, मेरे पिछले गुनाह बख्श दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहां पर गुरु नानक पाशाह ने सज्जन ठग को मूल मंत्र दिया। सात संगत जी, जन्म साखे में लिखा है मूल मंत्र, इसका जाप करता रहे, जाप करता रहे। और सज्जन को ठग से सात संगत जी संत बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहा करते थे, कई प्रचारक स्टेज पर बैठ के कह देते हैं गुरु नानक संत था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरे गुरु नानक ने जिसको एक बार दृष्टि करके देख लिया उस ठग को भी संत बना दिया। गुरु नानक तो निरंकार था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हां नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निमक दृष्ट पेखे होए संत, एक निमक दृष्टि से जिसे देख लिया उसे संत बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहां पर एक विचार करने वाली बात है सात संगत जी, हमें लगता है कि बड़ा आसान है अपने गुनाह कबूल कर लेना और गुरु से माफी मांग लेंगे, विश्वास करना सात संगत जी, 99% लोगों को अपने गुनाहों का पता ही नहीं होता, मेरे समेत। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें अपने गुनाहों की खबर नहीं होती, ये सत्संग का क्या लाभ है। ये गुरबाणी एक आईना है, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपने शरीर पर कुछ लगा होगा पता चल जाएगा, कोई कमी होगी तो। गुरबाणी आईना है, आईना जब इसे पढ़ते हैं, इसे विचारते हैं, अपने गुनाह दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई केवल माथा टेक कर चला जाए, सत्संगत ना सुने, उसे अपने गुनाह नहीं दिखाई देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक घटना है बड़ी प्यारी, गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की घटना।
कुछ सिख गुरु अर्जुन देव जी महाराज के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। जंगल का रास्ता है, रास्ते में एक सांप ने रास्ता रोक लिया, आगे आकर खड़ा हो गया। सिख यहां से जाने लगे, सांप इस तरफ हो जाए, इस तरफ से जाने लगे, बहुत बड़ा सांप है, इस तरफ हो जाए। एक गुरसिख के मन में बात आई, कहने लगा लगता है ये भी गुरु अर्जुन देव जी महाराज के दर्शनों के लिए जाना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसने उसके हाथ में एक मटका था, उसने मटका आगे कर दिया, कहने लगा अगर तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज के दर्शनों के लिए चलना चाहता है तो इसमें प्रवेश कर जा। सांप उस मटके के अंदर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब वो मटका उठाकर चल पड़े। जब श्री अमृतसर साहब हरिमंदर साहब पहुंचे, मटका बाहर ही रखकर अंदर चले गए माथा टेकने। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं हमारा एक सिख बाहर छोड़ आए हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहने लगे नहीं पाचा, हम चार पांच लोग थे, सब आ गए अंदर। कहने लगे नहीं, वो जो सांप घड़े में लेकर आए थे वो हमारा पिछले जन्म का सिख है, उसे भी ले आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब उसे लाया गया, मटके में से बाहर निकाला गया, सांप ने अपना सर गुरु अर्जुन देव जी महाराज के चरणों पर रखा और प्राण त्याग दिए। घर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी संगत ये घटना देख रही है, सवाल किया पाचा ये रमज खोलो क्या बात थी। तब गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने इस बात समझाई जो दास ने कही, हमें अपने गुनाहों का पता ही नहीं होता। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहने लगे ये हमारा सिख था, पर कभी बैठकर कथा कीर्तन नहीं सुनी, माथा टेक कर चला जाता था। ध्यान से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आता जरूर था और दूसरा गलत काम क्या करता था, सबसे बड़ी गलती। हरमंदिर साहब में चादर पीछे होती है, गोलक नहीं होती, चादर पीछे होती है खुली। लोग वहां पे धन रखते थे, ये ऐसे करके हाथ करता था, गुरु अर्जुन दीदी महाराज बता रहे हैं, पर धन उठा कर ले जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाथ रखने के लिए करता था पर संगत की माया उठा कर ले जाता था, और आखिर तक यही करता रहा। इसे कभी महसूस भी नहीं हुआ कि ये कितना बड़ा पाप कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसकी वजह से इसे सांप की जोनी मिली, क्योंकि ये हमारा सिख था, इसलिए हमने इसे एक मौका और दे दिया, जा अगले जन्म में अब नाम जप लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 84 नहीं काटने दी, एक ही जन्म में मुक्ति कर दी। यहां से यह शिक्षा मिलती, महापुरुष समझाया करते थे कई बार हमें पता ही नहीं चलता हम कौन सा अपराध कर रहे हैं, अपने गुनाहों का पता होना कि हम कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ा गुरु की कृपा होती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक आदमी पूरे सफेद कपड़े पहनकर पूरा दिन बैठ जाए, सफेद ना पहने कोई भी रंग के कपड़े पहने, एक कमरे में बैठा रहे शाम तक, वो भी मैले हो जाते हैं साथ में, दूसरे दिन पहनने के लायक नहीं रहते, चाहे कोई काम ना करे शरीर के अंदर से मैल निकलती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए गुरु नानक पाशा के वचन है, दो टाइम संगत जरूरी है, सुबह की भी और शाम की भी। जो दिन में अपराध करेंगे शाम को बख्शा लेंगे, धो लेंगे, मैल की परत नहीं चढ़ेगी। जो रात को पाप करेंगे सुबह धो लेंगे। प्यार से बोले धन गुरु नानक, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन ले आओ तो है, पर ये मत पापा के संग ओ तो पै नाम है। जो हमारी मत पे पापों की मैल चढ़ती है, बुरा देखकर बुरा सुनकर, आजकल व्हाट्सएप ले लो, फेसबुक ले लो, लोगों की निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस्तत तो कोई विरला करता है, केवल दूसरों की एक गलती पकड़ के उसकी निंदा, पूरा दिन निंदा, गुनाह है। निंदा से बड़ा तो कोई गुनाह ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। और हम इसमें मजे लेते हैं और हमें महसूस तक नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बचिए इन चीजों से। वैसे भी वचन है ना, पहले पहरे फुलड़ा फल भी पच्छा रात, जो जगन लहन से साई कन्नो दात। के जो रात के पहले पहरे, दिन के चार पहर, रात के चार पहर, रात के चार पहर 6 से 9 से शुरू हो गया पहला पहर। पहले पहरे फुलड़ा, जो 6 से 9 के बीच में सिमरन करती है, शाम के वक्त भक्ति करते हैं, रह रह सब जी का पाठ करते हैं,
उनकी भक्ति को फूल लगते हैं। उसके बाद जो अमृत वेला संभालते हैं, फल भी पच्छा रात, उनके फूल फल में बदल जाते हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए दोनों टाइम की भक्ति बहुत जरूरी है। चाहे थोड़ा समय निकालो, दुकान पे क्यों ना बैठे हो, ग्राहक को छोड़कर 15-20 मिनट आधा घंटा जरूर निकालो, अपने लिए अलग बैठ जाओ चौकड़ी मारकर, थोड़ा सिमरन कर लो। शाम का समय संभालना जरूरी है, क्योंकि वो भक्ति को फूल लगेंगे, बिना फूल के फल नहीं लग सकते। और खाली फूल लगे अमृत वेला ना संभाले, खाली फूल का क्या मोल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मतलब तो फल से है, पर बिना फूल के फल भी नहीं लगेंगे। पहले पहले फुलड़ा, फल भी पच्छा रात, तीन छे छे जो जागन लहन से, जो जागेंगे वही लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो जागन लहन से साई कन्नो दात, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਆਪ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਏ। मृत्योर्मुख
पति शंभो घट घट वासी तुम हो अविनाशी तुम संसार पति शंभो लोभ मोह माया है घेरे तेरी कृपा से मिटते अंधेरे होते सवेरे एक तुम ही मेरे शिव शंकरा चरणों में मुझे घर दो तन मन की मेरी चादर मैली है गंगाधर पावन कर दो तीन लोकों के तुम हो स्वामी मैं प्राण अपने कर दूं निछावर मुझ पे दया कर मैं बोलूं हर हर शिव शंकरा Yeah, my head.
ਬੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰ ਸਵਾਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਸਜਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਨਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕੇ ਸਜਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰ ਸਵਾਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅਬ ਹਮ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੇਂਗੇ नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ॐ
शिव जी सदा जय गुरु जी की।